है, पहले तो टेस्ट लो। हमने पहला, मेरा पहला क्वेश्चन था बेटा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। याद करो, जब मैंने संधि और समास दो चीजें करवाई थी तो मैंने एक ही शब्द दिया था आपको, हिम प्लस आला, याद होगा आपको। मैंने इसी शब्द को दो तरह से दिया था, कैसे, जब हमने वर्णों का मेल कर लिया, यानी इसका अ और इसका आ, वर्णों का मेल क्या हुआ, वर्णों का मेल, तो क्या बना, संधि। ठीक है, लेकिन जब दो शब्दों का मेल किया था, हिम का आलय, जो शब्दों का मेल हुआ था दैट वॉज समास। 8वीं में भी किया आपने, तब भी मैंने यही बताया था, वो दो वर्णों का मेल है, ये दो शब्दों का मेल है, दो शब्दों का मेल समास। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस ही आपकी संधि, समास, अव्यय या छंद। अव्यय और छंद का तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ संधि और समास में से आंसर आना था जिसमें समास आना था। ओके, अगला है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। चलो ये भी लेते हैं, समास एक्सक्यूज मी शाब्द। मैम, हाँ बोलो बोलो। दक्षिता वेटिंग रूम में, उसको एंट्री दे दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है। तो बेटे समास, समास का शाब्दिक अर्थ तो याद होगा, जिस दिन मैंने समास करवाया था, मैंने करवाया था, समास दो तरह से आता है। कैसे आता है, एक तो आता है समास का विग्रह करो, ठीक है, और भेद बताओ। एक आता है समस्त पद बनाओ और भेद बताओ, दोनों के साथ आता है। अब क्वेश्चन पूछा है मैंने समास का शाब्दिक अर्थ, अब आप बताओ, समास का विग्रह करो और भेद बताओ, समस्त पद बनाओ। समास का शाब्दिक अर्थ है समास का विग्रह करो, मतलब खलेरो इनु, मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षेप। जैसे ये हिमालय, हिम का आलय, इसका समास करो हिमालय, छोटा करो संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, समस्त पद का शाब्दिक अर्थ है खलेर दो, विग्रह करो। ओके, इतना दिमाग खुद चलना चाहिए था। चलिए यहाँ पे है संक्षेप, विस्तार, विग्रह और विच्छेद। वैसे तो वैसे ही दिमाग चल देना चाहिए था, विस्तार, विग्रह, विच्छेद एक ही मतलब है। अब तीनों का एक मतलब है, इसका मतलब चौथा आंसर है, ये भी तो दिमाग में ला सकते हो कि नहीं, आपको कुछ नहीं आता। विस्तार, विस्तार का ही मतलब होता है विग्रह, उसी का मतलब होता है विच्छेद करो। तीनों एक ही शब्द हैं, इसका मतलब चौथे वाला आंसर है, यानी आंसर क्या था, संक्षेप। ओके, आगे है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। अब हम पहुंच रहे हैं अव्ययी भाव समास पे। मैंने आपको क्या बताया था बेटे, अव्ययी क्या होता है, अव्ययी और तत्पुरुष इकट्ठा कराया था, अगर याद हो आपको, अव्ययी और तत्पुरुष इकट्ठा करवाया था। मैंने कहा था दो पदों को लेना है, पूर्व पद उत्तर पद, मतलब सारा समास इसी पे घूमता है ना, अव्ययी में और तत्पुरुष में। क्या था, तत्पुरुष में था, अव्ययी में होता है जिसका फर्स्ट वाला हिस्सा तोड़ा ना जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। ग्रहागत, ग्रहागत मीन्स गांव को गया हुआ, को तत्पुरुष में जाएगा। आचार कुशल मीन्स व्यवहार में कुशल, आचरण में कुशल। ठीक है, तीसरा है प्रतिदिन और कुमारी। अव्ययी तो पता ही है, प्रति वाले सारे इसमें आने हैं, तो प्रति है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, जिस समास में उत्तरज पद प्रधान हो और साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। सारा पढ़ने की लोड़ ही नहीं, उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। कर्मधारय, कर्मधारय में दो चीजें बताई थी ना, विशेषण विशेष्य, साथ में क्या बताया था, उपमान उपमेय, तो ये कर्मधारय
कर्म धारय समास था ओके। तो मैंने नीचे अभी ऑप्शंस पढ़ी नहीं, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, हम वो भी करेक्ट कर सकते हैं ओके। कर्म धारय समास, सत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। अच्छा चलो इसके सारे ऑप्शंस का देखते हैं। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, दोनों का कोई मतलब नहीं होता, कोई तीसरा प्रधान होता है, यही बताया था ना मैंने बहुव्रीहि का, ठीक है। कर्मधारय में एक विशेषण एक विशेषण, उपमान उपमेय, ठीक है। तत्पुरुष में, तत्पुरुष में अव्ययी में पहला प्रधान था, तत्पुरुष में पिछले वाला प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, ये उल्टे थे ना दोनों। अव्ययी में प्रथम पद प्रधान था, तत्पुरुष में उल्टा था। मैंने आपको समास जब भी करवाया दो 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 में इससे करके करवाया है ना, मैंने करवाया आपको द्वंद्व और द्विगु, ठीक है, ये दोनों इकट्ठे करवाए थे। फिर मैंने कर्मधारय करवाया था और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हाँ, तत्पुरुष और अव्ययी, नेगेटिव तो मैंने एक्स्ट्रा करवाया था ना, ये करवाए थे, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें क्या था, द्वंद्व में दोनों इक्वल, दोनों इक्वल माता पिता, इसमें काउंटिंग था पहला पद काउंटिंग, इसमें क्या था एक विशेषण एक विशेष्य, इसमें क्या था दोनों की कोई नहीं तीसरा कोई, तत्पुरुष में पीछे वाला प्रधान, अव्ययी में अगले वाला प्रधान, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। फिर तत्पुरुष में तो अब मैंने बता दिया कि जिसका पीछे वाला प्रधान, और द्वंद्व में दोनों बराबर होते हैं, इसलिए निम्न में से कर्मधारय समास किस में है। चलो हम कर्मधारय समास किस में है, चक्र पाणी, चक्र होता है गोला, पाणी मीन्स हाथ, पाणी होता है हाथ, ठीक है, चक्र पाणी हाथ है, जिस चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु की बात कर रहे हैं, है ना। चतुर्युगम, चतुर्युगम मतलब चार युगम, चार टोटल्स, है ना, चार चतुर, सारे वर्ड नहीं समझ आया, संस्कृत वर्ड है हमें नहीं समझ आया, चतुर तो समझते हो, चार चतुर चार तृतीय तीन, ये काउंटिंग वाले में जाएगा, ठीक है। उससे अगला नीलोत्पलम, नीलोत्पलम नील, नीला नीला कलर, कर्मधारय मैंने पहले बताया हुआ है, पीला नीला श्वेत सारे कर्मधारय में ले जाने, ठीक है। ये काफी बच्चों का ठीक था, माता पिता तो है ही द्वंद्व में, आपको पता है ना, ठीक है। फिर अगला है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, और वहां कौन सा समास होता है अप्रधान होते हैं, बहुव्रीहि, ठीक है ओके। न द्वंद्व न द्विगु न तत्पुरुष, बहुव्रीहि। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीता है जिसने, व्यक्ति विशेष बहुव्रीहि, इंद्रियों को जितेंद्रिय, जीत इंद्र, जितेंद्रिय व्यक्ति विशेष, आपको लिखना ही नहीं, आपको तो ऑप्शन चूज करना है, सीधा बहुव्रीहि आता है, आपको लिखना तो कुछ है ही नहीं है, आपको तो सीधा ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। अगला है देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर में कौन सा समास है, सोचो कौन कौन से वर्ड सोचेंगे, लाभालाभ, भीमा अर्जुन, ये वर्ड याद आए, मतलब आप ये नहीं कह सकते कुछ भी डाला हुआ आपको करवाया नहीं हुआ, बताया था मैंने, है ना। तो इसमें देवा देव और असुर, देवता और असुर, देवासुर, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, और द्वंद्व, द्वंद्व, ठीक है। अगला देशांतर, देशांतर देशों में अंतर, देश संधि विच्छेद कर रहा हूं ना, देश और अंतर, देशों में अंतर, देशांतर, तत्पुरुष में आ गया, अव्ययी कैसे हो जाएगा, में कारक का चिन्ह आ गया, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला जो एक मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन, मुख का दर्शन, तत्पुरुष, बहुव्रीहि कैसे हो जाएगा, मुख दर्शन किसे कहा जाता है, बहुव्रीहि समास में बंदा होगा कोई जिसको कहा जाता है, मुख का दर्शन, तत्पुरुष समास, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ आया कौन है पलक, पलक
वैभवी आर्ची सॉरी वैभवी की क्लास के बच्चे कौन है? आज वैभवी को मैसेज करो जाके, उसे कहो कि मैडम कहते हैं तेरे पास पंजाबी है, तेरे कारण अलग पीरियड लग रहे हैं, नहीं तो पिछले साल मुझे बख्शा नहीं था उन्होंने, वैभवी के कारण मैं लड़ी हूं तो मेरे ये पीरियड मिल रहा है मुझे, नहीं तो पता क्या था, ए सेक्शन के कंप्यूटर के साथ आप पढ़ाओ मैम, फिर बी के सेक्शन के कंप्यूटर के साथ आप पढ़ाओ, एक ही क्लास को मैं टुकड़ों में, 14 बच्चों को मैं 3 टुकड़ों में पढ़ाती थी, और अब वैभवी के कारण, वैभवी अगर ना अटेंड करे, वैभवी के 2 नंबर हैं आउट ऑफ 10। निष्ठा यू आर हैविंग द नंबर ऑफ वैभवी? मैम ग्रुप में है नंबर, मेरे को पता नहीं है, डायल करी जरा उसे, डायल करी जरा। ओके मैम, ठीक है बच्चे, तो ये था समास, ठीक है, फिर डिटेल कर लिया मैंने। वैसे आज आपको करवाना था पदबंध, अब पदबंध नहीं करवाऊंगी क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा, पदबंध हम फिर करेंगे, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ आपको वाक्य, ध्यान से सुनना जरा वाक्य को। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते, बोलो। सतपुरुष और अव्ययी, देखो हमने लेने यही 2 पद हैं, हमने पूर्व पद और उत्तर पद लेना है, ठीक है। अब ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, अब किसी का अगर नंबर 2 प्रधान है तो वो है तत्पुरुष, जिसका नंबर 1 प्रधान है वो है अव्ययी। जैसे अव्ययी में सारे शुरू होते हैं बे से, भर से, भर पेट, बे, यथा, योग्य, मतलब पहला हिस्सा चेंज नहीं होता, प्रति वाले सारे, पहला हिस्सा आ वाले सारे, पहला हिस्सा चेंज होता ही नहीं, आ वाले, अ वाले नहीं, अ वाले नहीं, आ वाले, ठीक है, पहला हिस्सा चेंज होता ही नहीं। हाँ बेटे बोलो। मैम जैसे आपने बोला कि अव्ययी में पहला पद प्रधान होता है, हमें अगर ये पता है कि अव्ययी में कैसा होता है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्रधान कौन से, हमें प्रधान की पहचान। आप मत प्रधान देखो बच्चे, आप मत प्रधान देखो, आप अपनी लेमैन की लैंग्वेज में देखो, मैंने आपको शब्द दिए हुए हैं बच्चे, प्रति वाले, यथा वाले, बे वाले, भर वाले, आपको शब्द दिए हुए हैं, आ वाले, ठीक है, रिपीट वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स, नगर नगर, गांव गांव, इतना तो आपको पता ही है ना बेटे, आप इन वर्ड्स को लर्न कर लो, ये सारे अव्ययी के, दीज ऑल आर ऑफ अव्ययी, तो आप इसे तो आप फॉलो कर ही सकते हो ना, तत्पुरुष के एग्जांपल, जैसे ग्रामगत, ग्रामगत, देखो वर्ड तो 2 ही होंगे ना, ग्रामगत, ग्राम मींस गांव, गत मींस गया हुआ, गांव को गया हुआ, ठीक है, इसको मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ये चेंज नहीं होना, शहरगत, पहाड़गत, विगत, आगत, ठीक है, इंपॉर्टेंस गए की है, रिपीटेड वाले इसमें अव्ययी में। देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनो बच्चे, अगर आप सोचो कि टीचर का सिर्फ एक लेक्चर लेने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू वर्क हार्ड बच्चे, आपको खुद भी पढ़ना होगा, दोनों में जा सकता है, वो दोनों देगा ही नहीं, उसे भी पता ही है दोनों में जा सकता है, दोनों नहीं देगा, ऑप्शंस में वो गलत ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि पेपर एक बार बनने के बाद बेटा बड़ी बार स्कैनिंग हो, बड़ी बार एक्सपर्ट्स के पास जाता है, मेरा पेपर बनाए हुए में गलती हो सकती है, लेकिन बोर्ड से जो पेपर आता है ना बेटा, वो बड़ी बार एक्सपर्ट्स के पास जाता है, जहां कंफ्लिक्ट होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं, पेपर में किसी बच्चे को जरूरत नहीं पड़ती उठ के खड़ा होके हाथ खड़ा करके पूछे कि मैडम यहाँ पे ये क्या आना है, कभी मिस्टेक नहीं निकलती बेटे, सीबीएसई की ये खासियत है, ओके, एक्सपर्ट्स के पास बड़े बहुत हाथों से निकल के आता है पेपर। जैसे यहाँ मैंने जो डाला आपको, बहुब्री के स्पेलिंग गलत थे, क्योंकि मैंने भी स्क्रीनशॉट लेके ही डाला हुआ है, ये बहुब्री के स्पेलिंग गलत थे, पेपर में ऐसी गलतियां नहीं होती बच्चे,
Should we move? जैसे अवे नहीं, तत्पुरुष सिर्फ कारक के चिन्ह, कारक के चिन्ह आएंगे, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, ठीक है, ऐसे सो मेनी, रसोई घर, जेब खर्च, बड़े वर्ड हैं, विद्यालय, विद्याकालय, ठीक है, बड़े वर्ड्स हैं ऐसे, उसी में आएंगे. बहुवरी में भी आ सकता है महात्मा. हाँ, कैसे आएगा मैं बताती हूँ, इसी को डिटेल बताती हूँ. आज हम नया चैप्टर नहीं शुरू करते, इसी में लेती हूँ. अभी आपका महात्मा वर्ड ही मैं पकड़ती हूँ, बेटे महात्मा शब्द को ही पकड़ती हूँ मैं. देखिए महात्मा शब्द है, ठीक है, इसमें दो शब्द है, एक महान और एक आत्मा. महा और आत्मा, महा और आत्मा, है ना. तो अगर मैं इसे कर दूं महा आत्मा, आगे लिख दूं है जो. एक मिनट, विग्रह पे देखो, विग्रह देखो. एक विग्रह होता है महान आत्मा है जिसकी. अभी कुछ नहीं करना, किसमें क्या जाना है हमें ये भी देखने की जरूरत नहीं है. इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझो, बोल के देखो. महान आत्मा है जो, किसकी तरफ इशारा हो रहा है, इशारा किसकी तरफ हो रहा है. महान आत्मा है जो, आत्मा की ओर इशारा हो रहा है, आत्मा, आत्मा की ओर इशारा हो रहा है ना. इसमें किसकी ओर इशारा हो रहा है, महान आत्मा है जिसकी, किदी किदी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसकी किसकी. यानी यहां वी कैन गिव नेम, क्योंकि यहां पे पूछा गया किसकी, समझ आई. ये बहुव्रीहि में जाएगा, ये नहीं. हाँ, जैसे पीताम्बर देखो ना, पीताम्बर, पीला अंबर है जो, कर्मधारे, पीला अंबर है जिसका, किदा किसका, कृष्ण. जहां किसका क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो बहुव्रीहि होगा, ठीक है. जैसे अश्रु गैस, अरे ऊपर लिखा हो महात्मा, महान आत्मा है जो, नीचे कौन सा समास है. हाँ, महान आत्मा है जो, कौन सा समास हो सकता है. महान आत्मा है जो कर्मधारय ही हो सकता है. महान आत्मा है जिसकी, कौन सा समास हो सकता है. ये बहुव्रीहि ही हो सकता है, बस विग्रह. तभी तो मैंने समझाया, मतलब समझो उसका, ठीक है ना. अब इधर देखो, अश्रु गैस, आंसू लाने वाली गैस, इसकी बात कर रहे हैं, गैस विशेष की, गैस विशेष की बात कर रहे हैं हम, है? बहुव्रीहि, बिल्कुल बहुव्रीहि. रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, गाड़ी विशेष. या तो रेल पर चलने वाली गाड़ी उधर ले जाओ, तत्पुरुष में पर आ गया, ठीक है, या फिर गाड़ी विशेष. रेल पर चलने वाली गाड़ी कौन सा समास है. तत्पुरुष भी हो सकता है, अगर वो उसने तत्पुरुष ऑप्शन नहीं दिया तो ये गाड़ी विशेष हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है. नहीं, अश्रु गैस में क्या, रेल पर चलने वाली गाड़ी पर लग गया ना. बहुव्रीहि भी हो सकता है, गाड़ी विशेष लिख दोगे तो, रेल पर चलने वाली गाड़ी. हाँ, नहीं, मेंशन ना भी हो गाड़ी विशेष, रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी, नीचे ऑप्शंस में तत्पुरुष है ही नहीं, फिर बहुव्रीहि होगा ना. आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना बच्चे, एमसीक्यूज का यही फंडा है बच्चे. एमसीक्यूज में काम सिंपल भी होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है. मतलब सिंपल आपको कहा जाए ना, चार समास आने तो सिर्फ विग्रह करने और भेद बता देने, बहुत अच्छे तरह से मैडम ने भेद बताया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं. एमसीक्यूज ज्यादा ज्यादा डिटेल करना पड़ेगा हमें, जब हम इसे लाइटली ले रहे हैं ना, उसे हम लाइटली नहीं ले सकते बेटे. एमसीक्यूज में ज्यादा मेहनत करनी है.
ठीक है। अब ये समास का तो मुझे पता चल गया कि रिस्पॉन्स वॉज वेरी 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 पुअर। ततारा व अमीरी को फिर भी अच्छा था, समास का तो बिल्कुल ही बुरा था रिस्पॉन्स। अब आज मैं पेपर बनाती हूँ पता चल जाता है कबीर जी का रिस्पॉन्स कितना को अच्छा है आपका। मैं मुझे लगता है कबीर और मीरा दोनों ही डाल दूँ, कला कबीर ले लेने। नहीं गूगल फॉर्म नहीं बेटे, मैं इसी तरह भेजूंगी पेपर। हाँ मुझे, हाँ देखो